अमेरिका और तुर्की के बीच F-35 लड़ाकू विमान के उपकरणों की सप्लाई के चलते तनातनी चल रही है। अमेरिका के बार बार आपत्ति जताने के बावजूद भी तुर्की ने रूस द्वारा निर्मित S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का निर्णय लिया था, जिसके फौरन बाद से ही अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमानों के सहायक उपकरणों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। ये घोषणा नाटो की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर हुई है। तुर्की के विदेश मंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक के लिए वॉशिंगटन रवाना हो चुके हैं। इस मामले पर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका तुर्की को उसके पास S-400 खरीद के गलत परिणामों के बारे में लगातार चेतावनी देता रहा है। इससे साफ हो जाता है कि F-35 कार्यक्रम में तुर्की के शामिल होने पर खतरा मंडरा रहा है।